गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस वाली गाड़ी को चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा स्किड खाता है ये रैंगल के अंदर में कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, और ये देखो सामने से गॉडज़िला भी आने लगा। कसी हाय वंस मोर हे गाइस सर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस सर, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 1.4 बीटा वर्जन के सारे फीचर्स के बारे में। गाइस जी हाँ, सारे के सारे फीचर्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स 1.4 अपडेट के अंदर में हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एंड गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है 1.4 बीटा कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो गाइस मैंने कल यहाँ पे वीडियो बना दी थी उसके ऊपर, उस वाले वीडियो को भी गाइस आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये वाली वीडियो को पूरी एंड तक देखो, बिकॉज इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ सारे के सारे फीचर्स, तो तक पूरा जरूर से देखना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस यार, सबसे पहला फीचर और सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग वाला जो फीचर है, जो सबसे बड़ा फीचर, जो मेन थीम होता है, वो है गाइस गॉडज़िला मोड। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को थोड़ा सा मैं गॉडज़िला का गेम प्ले दिखा देता हूँ। और ये इरेंगल का है, गॉडज़िला आपको पता है इरेंगल में आएगा और कॉन्ग सैनोक में आएगा। बट अभी गाइस बीटा टेस्टिंग है, तो कॉन्ग अभी तक आप लोग को सैनोक में नहीं मिलेगा। बट कुछ दिनों के बाद जब न्यू अपडेट आ जाएगा बीटा में, तब यहाँ पे शायद से कॉन्ग आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैं ग्लाइडर पे हूँ एंड पूरा आप लोग को मतलब जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो ड्रोन शॉट दिखा रहा हूँ, बट ऊपर से गाइस आप लोग देख सकते हो कैसा लुक है एकदम पास से इसका। ठीक है, तो काफ़ी खतरनाक लगता है गॉडज़िला, और जब इसके जो पावर जो इसका आ जाता है, तब तो फिर मतलब क्या ही कहने, बहुत ओपी लगता है। तो ये तो फर्स्ट फीचर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि गाइस इरेंगल में आपको ऐसे स्कल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, साथ में ऐसे आपको यहाँ पे कीड़े देखने को मिलेंगे। ये मकड़ी है, चिपकली है, क्या है मुझे समझ नहीं आता है, बट ऐसे यहाँ पे गाइस आप लोग को देखने को मिलने वाले कीड़े। ठीक है, मॉन्स्टर्स, इनको आप लोग मार सकते हो और इसको गॉडज़िला भी मारता है। ठीक है, तो ऐसे गाइस यहाँ पे ये सेकंड फीचर है। बढ़ते गाइस थर्ड फीचर की तरफ। सो गाइस, जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि यहाँ पे न्यू कार, जो कि आप लोग देख सकते हो देखने में कितना ही ज़्यादा ऑसम है। एंड लिटरली गाइस, इसका कार का लुक जो है बहुत ही ऑसम है, और इसको चलाना उतना ही डिफिकल्ट है, मतलब जस्ट अपोजिट है। इरेंगल में घास में तो इतना ज़्यादा ये स्किट खाता है ना, मतलब एकदम गोल गोल घूमेगा, इधर उधर चलने लगेगा अपने आप, तो इसको कंट्रोल कैसे करना है गाइस, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड मे भी हो सकता है ये बीटा टेस्टिंग है, इसलिए इसको इरेंगल में डाला गया हो, बाद में इसको इरेंगल से रिमूव कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। बाकी गाइस मुझे इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं पता है, बट इसका लुक काफ़ी ज़बरदस्त है, मेरे को इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, कलर वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको न्यू कार कैसी लगी। एंड अगर आप लोग 1.4 बीटा डाउनलोड करोगे, तो इसको प्ले करके ज़रूर से इसको चला के ज़रूर से बताना कि आप लोग को ऐसे प्रॉब्लम फेस करने मिली या नहीं मिली। ठीक है, बाकी तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ फीचर की तरफ। सो गाइज, जो नेक्स्ट फीचर है वो गाइज एक न्यू टीडीएम मोड है, जिसका नाम यहाँ पे हैंगर रखा गया है। अब ये गाइज आप लोग को इसका जो गेम प्ले है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज अभी जो है ये ओपन नहीं हो रहा है, मतलब मैच स्टार्ट भी हो जाता है तो मैच लग नहीं पाता, बिकॉज रियल प्लेयर्स अभी खेल नहीं रहे इसको। बट कुछ ग्लिच है इसके अंदर में, जिससे मैच मेकिंग नहीं हो पा रही है। बट यहाँ पे गाइस इसका गेम प्ले गाइस मैंने आपको पहले जब 1.3 का बीटा आया था तब दिखा दिया था, बिकॉज इसमें इसका नाम कोड सी मैप था, और बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है इसके अंदर में भी। सो गाइस, जो सिक्स्थ फीचर है वो यहाँ पे क्रिस्टल ग्रेनेड का फीचर है, और ये ग्रेनेड आपको गाइस गॉडज़िला मोड में एक्सक्लूसिवली देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मतलब सिर्फ उसी में देखने को मिलेगा। इसका इफेक्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, एंड अगर इसको गाइस आप लोग अपने पास फोड़ते हो ना, मतलब अगर आपको इसका डैमेज लगता है, तो आपके गाइस पूरे शरीर में आग लग जाएगी, देख सकते हो कुछ इस प्रकार। एंड अगर गाड़ी के पास फोड़ते हो तो गाड़ी हवा में भी उड़ सकती है, तो ये ग्रेनेड जो है काफ़ी ऑसम है यूज़ करने के लिए, और डैमेज भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो गाइस बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो गाइस, जो नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पे है न्यू कंपेनियंस। अब इतने दिनों के बाद यहाँ पे न्यू कंपेनियंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, वो भी किसके, गॉडज़िला और कॉन्ग के। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गॉडज़िला का कंपेनियन देख सकते हो कितना ज़्यादा ये, मतलब जब आप लोग एक तरीके से सोचो, गॉडज़िला इतना खतरनाक दिखता है और ये इतना क्यूट दिखता है, भाई देख सकते हो कितना प्यारा सा दिख रहा है ये। एंड इसके पास भी कुछ एबिलिटीज़ है, जो कि ये ऐसे इमोट्स वगैरह कर सकता है बाकी फैल्कन की तरह। एंड इसके देखो ये पूछ से खेलेगा इस तरीके से, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को गाइस फनी लगा एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा, बिकॉज इन्होंने
काफ़ी दिनों बाद कंपेनियन दिया है और अच्छा दिया है गाइस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे गाइस कॉन्ग का भी कंपेनियन आप लोग को देखने को मिलेगा और इसके भी काफ़ी सारे इमोट्स हैं, बट कॉन्ग के जो इमोट्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, जैसे कि आपको पता है बीटा वर्जन है, ग्लिच रहते हैं तो उतने ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे। और ये देख सकते हो कॉन्ग का गाइस यहाँ पे इमोट काफ़ी बढ़िया है गाइस, कॉन्ग तो और एकदम क्यूट लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे इन्होंने कंपेनियन दिया है, ठीक है। तो ये तो गाइस हमारा 7th फीचर था, बढ़ते गाइस हम लोग 8th फीचर की तरफ। तो गाइस जो नेक्स्ट फीचर है वो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो नेक्स्ट फीचर है वो गाइस एक है हॉट एयर बलून, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि गॉडज़िला के रास्ते के बीच में आया था और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब अगर आप लोग उसके ऊपर चढ़ोगे तो गॉडज़िला अगर आप लोगों को देख लेता है तो फिर यार आपका काम तमाम कर देगा, वो बिल्कुल आपको यहाँ पे फिनिश करके ही छोड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस आप लोग का जो नेक्स्ट फीचर है वो अचीवमेंट्स का, यहाँ पे आप लोग को लेआउट चेंज देखने को मिलेगा, लॉबी के चेंजेस गाइस मैं अभी आपको बता देता हूँ कि लॉबी के अंदर में आपको क्या क्या नया देखने को मिला है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट के साथ सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस आप लोग को लॉबी के अंदर में कार फीचर मिलेगा, जैसे कि आपको पता है पहले आप लोग यहाँ पे अपने लॉबी में कोई सी भी अगर आपके पास स्किन है तो उसके आप लोग यहाँ पे गाड़ी लगा सकते थे पीछे, तो वैसे अभी भी आ चुका है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे गाड़ी पीछे लगा सकते हो, ठीक है। और गाइस ये मैं तो ये वाली गाड़ी यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज इसके पास ऑलरेडी जो इसका डिफॉल्ट स्किन है वो काफ़ी ओपी है, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग बात करते हैं जो इसके नेक्स्ट फीचर है वो गाइस, जैसे मैंने बोला अचीवमेंट का इंटरफेस जो चेंज हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस तरीके का गाइस आप लोग को अचीवमेंट देखने को मिलने वाला अब नेक्स्ट अपडेट के बाद से। तो यहाँ पे गाइस ऐसे दो तीन फीचर और गाइस छोटे मोटे हैं जो कि मैं आपको कवर करके नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं एंड उतना गाइस मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया हूँ अभी तक, बट गाइस आगे अगर अपडेट आता है बीटा में तो यहाँ पे कॉन्ग भी देखने को मिलेगा, मेगा गॉडज़िला भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों के लिए वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाओ वीडियो को भी लाइक कर दो बिकॉज इंपॉर्टेंट है यार ये सारे काम, नहीं तो यार फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाएगी टाइम टू टाइम, तो यार फिर आप लोग इन्फॉर्मेशन कौन अप टू डेट करके देगा, ठीक है। तो चलो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बताना आप लोग को आज के इस वाले वीडियो में सारे फीचर्स समझ में आए और कैसे लगे फीचर्स, बिकॉज मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे सारे के सारे फीचर्स, खास करके गॉडज़िला मोड प्लस क्रिस्टल ग्रेनेड इज लिट एंड ओपी गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ओपी लगा मेरे को क्रिस्टल ग्रेनेड भी। एंड जैसे कि आपने गेम प्ले में ही देखा कार कैसे उड़ गई थी हवा में, तो काफ़ी मज़ा आएगा जब ये 1.4 अपडेट जो ऑफिशियल वर्जन में आ जाएगा ग्लोबल वर्जन में, वैसे मुझे लगता है पबजी इंडिया के साथ में ये वाला अपडेट आएगा, आई थिंक सो, क्योंकि पबजी इंडिया काफ़ी क्लोज है, वेट करते हैं। बाकी मैं कुछ हाइप क्रिएट वगैरह नहीं करना चाहूँगा, तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ये वाली वीडियो ताकि वो लोग भी थोड़े जानकारी ले पाए, ठीक है। तो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।